बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सौदरी बस लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको भाई आज बूस्टर डोज के मुतल्लिक ही अपडेट कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह का अच्छी न्यूज़ ही मैं ऐसे मानूंगा। ये भाई क्यों ऑर्डर किए गए हैं ये भी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रखे होंगे कि बूस्टर डोज का जो टाइम था, यानी कि सेकंड डोज के 6 माह बाद ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते थे, उससे पहले आप इसको नहीं लगवा सकते थे। तो अभी वजारत सेहत की तरफ से ये भाई कह दिया गया है कि जिस किसी भी बंदे ने पहले दोनों डोज ली हुई हैं, वो बूस्टर शॉट भाई 3 माह हो चुके हैं यानी कि सेकंड डोज लिए हुए, वो बूस्टर शॉट ले सकता है। ठीक है जी। अच्छा, ये भाई अभी इसको 3 माह के लिए क्यों कर दिया गया है? आपको पता है जी, आज भी 146 है या 49 है जो आज के केस रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि पिछले 3 दिन से 100 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रखे हैं रोज। तो इस वायरस के केस बढ़ते हुए देखकर भाई वजारत सेहत की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है के बूस्टर शॉट भाई अभी आप 3 माह बाद भी लगवा सकते हैं। सेहती में जाएं, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। वैक्सीन अपॉइंटमेंट बुक करें और आप देख रहे हैं यहाँ पर बूस्टर शॉट के लिए आप एलिजिबल होंगे। मैं खुद से एलिजिबल हूँ। अभी कुछ डेट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ट्राई करते रहें, 2-4 दिन में भाई आपको डेट भी मिल जाएगी। और दूसरी बात भाई, ये आपको बता दूँ मैं, ये बूस्टर डोज भाई इस कोरोना वायरस के लिए नहीं, जो इम्यून वायरस न्यू है उसके लिए भी कारामंद मानी जाती। और उसके अलावा अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं अभी सऊदी अरेबिया से, तो उसके लिए जो भी डिटेल वगैरह होंगी यानी कि मुकम्मल तफसील के साथ यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करता हूँ आपके साथ।